धन्यवाद। और की जाना कहाँ? मेरी जेबें खाली हो गई हैं। मेरा घर बार, मेरा बच्चा, हम सब रुल गए हैं। ओहो, मेरा क्या खाना खाना है? इकबाल साहब, ये क्या रोज उसका तमाशा बना रखा है तूने? तमाशा तो मैं बन गया इकबाल साहब। आपने कहा था ना कि 3 दिन में आप मेरे बच्चे का वीजा बना देंगे। मैं तेरा रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर देता। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। तुझे वीजा नहीं मिलेगा। यही तो कहता रहा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई शर्त नहीं रोक सकती। मैं चाहूंगा, जरूर चाहूंगा। सकीना की जान पे भी तो बना सकती थी। आपने ठीक कहा, जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो फिर उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। तुम बिना वीजा के हमारे पाकिस्तान में दाखिल हुए हो। अगर हम चाहें तो जासूसी के केस में तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बेटी हमारी कमजोरी है और उसकी कमजोरी हो तुम। और हम इतने संदिग्ध बात नहीं कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर
झुक भी ना सके, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी दो शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें यही पाकिस्तान में रहना होगा। हम जानते हैं कि ऐसी बातों के फैसले खड़े पर नहीं किए जाते, इसलिए हम तुम्हें एक रात का वक्त देते हैं। सोच लो, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो, तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है? आज मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ करें। एक मिनट काजी साहब, इससे पहले कि इसके कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एक बार तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ऐसी खेल क्यों खेल रहे हैं? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, उनके हाथ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बनकर अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर झुका भी सकता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। इनाम लेके जाएं।